हाय हेलन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फर्स्ट एपीआई को। सो आज है हम लोग का लेशन नंबर 9, जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक स्टैटिक वेबसाइट। यस, एक स्टैटिक वेबसाइट जहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ एचटीएमएल का कोड, कुछ सीएसएस, कुछ जावास्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स फास्ट एपीआई तो देखना ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली फास्ट एपीआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ओपन करूँगा। मैं लिखूंगा फास्ट एपीआई, सिंपली मैं उसको ओपन करूँगा। एंड ओपन करने के बाद मैं जो इसका लर्न वाला पेज है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। एंड यहाँ जाने के बाद मैं जो इसका बेसिक कोड होता है, मैं यहाँ से वो उठाऊँगा। एंड मेरे को जो इसका बेसिक वाला कोड है वो मिलेगा फास्ट एपीआई के पेज पे ही। एंड फास्ट एपीआई के पेज पे एक एग्जाम्पल भी जाना है। एंड मैं मुझे ये बेसिक कोड यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं इसको यार यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ। सबसे पहले तो यार मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक फोल्डर। भाई फोल्डर क्रिएट करना है मेरे को, राइट क्लिक करूंगा फोल्डर एंड मैं सिंपली फास्ट एपीआई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर को क्रिएट करने के साथ यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा, जिसमें मैं नाम रखूँगा कार अंडरस्कोर वेबसाइट, कार वेबसाइट। सीखिए, तो मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करा है कार वेबसाइट। ऑफ कोर्स जैसे आपको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक वेबसाइट जो कि एक कार कंपनी की होने वाली है। तो बेसिकली उसी के लिए हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, स्टैटिक वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे सोर्स ऑप्शन करके मैं ओपन विद कोड करूँगा एंड इसको मैं ओपन करूँगा। तो इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊँगा मेन डॉट पाई, और ये बनाने के बाद एक फोल्डर बनाऊँगा, सिंपली फोल्डर बनाऊँगा टेम्पलेट्स के नाम पे, जहाँ पे मेरा सारे टेम्पलेट्स होगा। एंड एक और फोल्डर बनाऊँगा स्टैटिक के नाम से, इसके अंदर नहीं इसके बाहर बनाना है, स्टैटिक के नाम से, ठीक है। और इतना करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा फ्लास्ट को, फास्ट एपीआई को। मैं लिखूँगा फ्रॉम, या फिर मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, मैं इतना तो कॉपी करूँगा, ठीक है। और इतना तो कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे पेश करूँगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो नहीं चाहिए मैं वो हटा दूंगा। एंड मुझे ये चाहिए अपडेट गेट स्लैश एंड रिटर्न, ये नहीं होगा भाई। और ये जो पाथ है वो मैं खुद क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले तो ये भी हटाओ, और मैं यहाँ पे फिर सर्च करूँगा टेम्पलेटिंग, जो मैं फास्ट एपीआई पे कर रहा था। तो मैं सर्च करूँगा टेम्पलेट इन फास्ट एपीआई और सिंपली मैं एंटर करूँगा। और मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल गया है फास्ट एपीआई का, सिंपली मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ से ये तीन चीज़ कॉपी करना है, सर मैं पूरा कॉपी करूँगा सी, एंड मैं इसको यहाँ पे पेश करूँगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं ये लाइन भी कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे स्टैटिक फाइल भी तो बनाना है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इतना नहीं भाई, इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे पेश करूँगा, इसके बाद पेश करूँगा, ठीक है। ताकि मैं ऐप, पहले ऐप का स्टेज बना लूँ एंड उसके बाद मैं उसको क्लिक करूंगा। बाकी मुझे टेम्पलेट को भी यहाँ पे करना है, तो मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेश करूंगा। एंड ये करने के बाद मेरा यहाँ पे जो यूआरएल है मैं उसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इस पे ही पेश कर दूंगा। तो एप डॉट गेट स्लैश आइटम, मैं होम पेज ही चाहता हूँ, तो मैं सिंपली स्लैश ही रहने दूंगा सिर्फ। एंड रिस्पॉन्स क्लासेस एचटीएमएल रिस्पॉन्स रहने दूंगा, एसिंक क्लास नहीं चाहिए। एंड सिंपली फिर रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट, आईडी मैं ले नहीं रहा हूँ तो मैं हटा दूंगा आईडी को। रिक्वेस्ट को मैं रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट क्लास रहने दूंगा, बाकी रिटर्न में कर पा रहा हूँ टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, नेम में मुझे चाहिए मैं इसका होम डॉट एचटीएमएल रखूंगा, होम पेज। एंड कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा गेट रिक्वेस्ट। एंड मैं टेम्पलेट के अंदर क्या करूँगा, टेम्पलेट के अंदर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा होम डॉट एच टी एम एल। एंड सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा कार मोड कार, मैं इसका नाम रखूंगा, इस प्रोजेक्ट का नाम मोड कार, मतलब इस वेबसाइट का नाम।
एंड यहाँ पे मैं भी बेसिक लिख देता हूँ, दिस इज आवर मॉडर्न वेबसाइट। सिंपली यहाँ पे एक हेडिंग लिख गया है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फास्ट एपीआई डेव मेन डॉट पाई, ठीक है। मैं सिंपली एंटर करूँगा और इंटर करने के बाद मेरा जो ये यूआरएल है इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक और जो मेरा यही है इसी पे मैं पेस्ट कर दूंगा, बट यहाँ पे एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि मेरा यहाँ पे यार ये चीज़ तो चल रहा है। मैं देख लेता हूँ मेरा स्टेडी फाइल चल रहा है नहीं, मैं स्टेडी के अंदर भी एक फाइल रख लेता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, ठीक है। मुझे आगे जाके सी एस एस बनाना ही है और मैं इसमें बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के लिख देता हूँ मार्जिन 0। मार्जिन पैडिंग मैंने यहाँ पे सिंपली 0 पिक्सल कर दिया है। एंड ये करने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मेरा स्टैटिक फाइल यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं जाऊँगा स्लैश स्टैटिक स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, अब मैं सिंपली एंटर करूँगा। मेरा स्टैटिक फाइल भी यहाँ पे रन कर रहा है, मतलब यार कि मेरा जो सेटअप है वो यहाँ पे हो गया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यार अपने जो मेरा स्टैटिक फाइल है उसके लिए मैंने सेटअप किया है, और ये जो सेटअप है उसको भी आप लोग कर लेना। बाकी ये जो फास्ट एपीआई का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर लेना स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको और एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।